कराची एक्सपो सेंटर में हेल्थ की सबसे बड़ी 20वीं तीन रोजा हेल्थ एशिया बैनकॉमी नुमाइश और कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें सिप के शोबे से वाबस्ता अफराध ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैसर अब्बास की रिपोर्ट। हेल्थ एशिया बैन अल-अक़वामी नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। नुमाइश में सेहत के मसाइल, हार्ट अटैक, कैंसर, ज़ियाबतीस समेत दीगर अमराज से बचाव और इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज की मदद और रहनुमाई पर जोर दिया गया। नुमाइश में मुल्की कंपनियों के साथ बैन अल-अक़वामी सतह पर काम करने वाली कंपनीज भी अपनी जदीद तरीन सहूलियात और खिदमात अवाम के सामने पेश कर रही हैं, और अवाम एक ही मुकाम पर तिब के वसी इकसाम की जिद्दत अंगेज टेक्नोलॉजी से रोशनाज भी हो रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई हमारा अपना मालिक्यूल नहीं है जिसको हम इंट्रोड्यूस करें दुनिया में। पाकिस्तान की अपनी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो हम इसको एक्सपोर्ट करके पैसे कमा सकें और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर सकें। एक प्लेटफॉर्म पे एक छत के नीचे इतनी सारी फैसिलिटीज देखना लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत सारी नई चीजें पता चली। तीन रोजा हेल्थ एशिया मेले में 150 मुख्तलिफ कंपनीज के तकरीबन 50 नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं, जिनमें 6 ममालिक के गैर मुल्की मंदुबीन भी शामिल हैं। कैसर अब्बास, आज न्यूज़ कराची।